तो चक्रास के बारे में आपको पता बेसिकली बायोलॉजिकली स्पीकिंग क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो हो uh, आपके स्पाइन के अराउंड अच्छा ठीक है आपके आपके बॉडी को अगर आप डिवाइड करेंगे हाफ में ठीक mm -hmm. है तो द डिवाइडिंग लाइन इज कॉल्ड कॉल स्पाइनल एक्सिस मतलब आपकी स्पाइन आपकी बैक की जो सेंटर की लाइन है वो होती है आपकी स्पाइन और उसके आसपास आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स मेन ग्लैंड्स जहाँ से आपके हॉर्मोन्स mm -hmm. निकल कर आते हैं और मेन नर्व क्लस्टर्स होते हैं ठीक है तो अगर आपको अपना हाथ ऐसे मूव करना ये सिग्नल कैसे आया ये सिग्नल आया क्योंकि मेरे दिमाग से एक सिग्नल निकला जो मेरे स्पाइन में फ्लो हुआ और उस नर्व क्लस्टर को हिट होके फिर मेरे हाथ में गया तो जहाँ आपके छः मेन नर्व क्लस्टर्स होते हैं उन एरियाज़ को स्पिरिचुअलिटी में चक्रस कहते हैं और उन नर्व क्लस्टर्स के आसपास ज़रूरी ग्लैंड भी होते हैं ठीक है जैसे यहाँ आपका पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ आपके गर्दन में आपका थायराइड लैंड होता है यहाँ आपका दिल हार्ट होता है यहाँ आपके पैंक्रियाज होते हैं उसके नीचे आपकी इंटेस्टाइन होती भी है, भी 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 है हाँ ठीक है और आपका लोएस्ट चक्र जो आप आ, जो मेन के लिए टेस्टिकल्स होता है वुमेन के लिए ओवरीज होता है उसके भी हॉर्मोनल फंक्शंस होते हैं जो आपके पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है मतलब बॉडी की बायोलॉजी देखी जाए तो अगर एक हार्मोन थोड़ा सा यहाँ हो गया आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम यहाँ हो जाता है Imbalance. हाँ इम्बैलेंस हो जाता है अगर एक भी हार्मोन ऑफ बैलेंस हो गया और जो दो इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो मतलब आप औरत हो आपके बॉडी में भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होगा मैं हाँ मैं मर्द मेरे बॉडी में थोड़ा सा एस्ट्रोजन होगा बट एक बैलेंस में मेनटेन हो जाता है और अगर वो सेक्स हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया तो आपके हारमोनल सिस्टम पर इफेक्ट्स हो सकते हैं बट अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो जो आपका लोएस्ट चक्र है जहाँ आपके सेक्स हॉर्मोन्स प्रेजेंट है और जहाँ से वो सिक्रीट होता है या जहाँ वो मेंटेन होता है उनका बैलेंस मेंटेन होता है अगर वो हिल जाता है तो आप अनसेंटर्ड हो जाते हो जिसे स्परिचुअलिटी हम अनग्राउंडेड कहते हैं तो जब आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो जब आप भरतनाट्यम कर रहे हो आपका एक्चुअली लोएस्ट चक्र सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज हो रहा है क्योंकि बैलेंस कहाँ जाता है आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जूडो में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बहुत ध्यान होता है हुँ। हुँ। वो एक्चुअली आपके हिप्स में होता है राइट किसी भी ह्यूमन के हिप्स में होता है तो जब आप पोजेज कर रहे हो इंडियन क्लासिकल डांस में जब मैं जूडो में थ्रोस कर रहा था जहाँ जब मैं फाइट कर रहा था मेरा पूरा बैलेंस वहाँ से निकल कर रहा था All comes from the हाँ। yeah. तो ओवर टाइम जब आप अपने लोएस्ट चक्र को वर्क कर रहे हो आपको ग्राउंडिंग मिल जाती है जो आपने कहा ना सेंटरिंग मिल गई आपको स्टेज पे या परफॉर्मेंस के टाइम या कैमरे के सामने वो क्या एक्जैक्टली क्या हो रहा है आपके दिमाग में आपको बहुत शांति फील हो रही है और उस शांति से आप अपना काम कर रहे हो या परफॉर्मेंस दे रहे हो पर वो शांति का सोर्स एक्चुअली आपका लोएस्ट चक्र होता है अगर वो हिल गया तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा और मोस्टली जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते या जिन्होंने बचपन में इंडियन क्लासिकल डांस को एक्सपीरियंस नहीं किया मेडिटेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया योगा को एक्सपीरियंस नहीं किया मार्शल स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट Hmm. वो वो आपको ग्राउंड डेफिनेटली कर देता like. है बट जिस तरह से मार्शल आर्ट्स और इंडियन क्लासिकल डांस आपके लोएस्ट चक्र को ग्राउंड करता है इज नथिंग इज नो अदर एक्टिविटीज़ लाइक दैट बट ज़्यादा बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट आई फील कि देर आर योगिक योग एज पॉस्चर्स पद्मासन पद्मासन भी hmm. एक पॉस्टर जिसकी हाँ यो लोटस पॉस्टर्स की वजह से भी आपका लोएस्ट चक्र ग्राउंड हो सकता है hmm. और अगर आपके पास वो ग्राउंडेड लोएस्ट चक्र होगा आपके आपके बॉडी में तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप में पेशेंस आ जाता है आप में काम आ जाता है और जो भी काम आप कर रहे हो आप उसमें अपना हंड्रेड परसेंट दे सकते हो इफ दैट लोएस्ट चक्र आपका दिमाग हमेशा यहाँ वहां होगा कि ठीक है मैं काम तो कर रहा हूँ बट एक्चुअली मैं अपने मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ मैं कुछ और सोच रहा हूँ आप मेडिटेटिवली अपना काम नहीं कर रही क्योंकि मल्टीटास्किंग से बहुत डिफरेंट है क्योंकि मल्टीटास्ंग फिर भी एक चीज़ है जहाँ पे शायद आप दो दो तीन चीजें सेम मतलब कॉन्टेक्स्ट hmm. में कर रहे हो बट hmm. हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लिख कुछ <laughs> मतलब कुछ और लिख रही हूँ कुछ और सोच रही हूँ hmm. और कहीं और hmm. हाँ और और दूसरे चक्रस की भी फंक्शंस के भी फंक्शंस होते हैं बट अगर आपको उन्हें अनलॉक करना है और उन्हें मैक्सिमाइज करना है पहले आपको अपना लोएस्ट चक्र मैक्सिमाइज करना पड़ता है तो और, फिर ऐसे प्रोग्रेशन हाँ, में जाते हैं हां और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का बेस होता है कि आपको अपना पहले अपना लोएस्ट चक्र फिक्स करना है अगर वो फ़िक्स हुआ फिर आप बाकी के चक्रस के बारे में सोच, सोच सकते उसके बाद आता है पीस का चक्र कि आप खुश हो गया लाइफ में जो आप कर रहे हो आप में शांति आ और वो ज़्यादातर ना इंडियन कल्चर में लोगों का फिक्स रहता है बट लोएस्ट चक्र बहुत लोगों का स्पेशली अर्बन सेंटर्स में स्पेशली मुंबई में बहुत ज़्यादा हिल जाता है इनफैक्ट आई थिंक शायद मैं गलत बोल रही हूँ बट आपका कफ पित्त वाटा ये भी इंटरलिंक्ड है क्योंकि जैसे आपने योगा को बोला बैलेंस के लिए और सब कुछ आई मीन फॉर दैट क्योंकि हम लोग डांस से सब कुछ इंटरलिंक्ड है बहुत इंटरलिंक्ड है तो मेरे ख्याल से लोग पूछते हैं मुझे काफ़ी बार कि स्किन uh, के बारे में hmm. कि लाइक यू नो इतना मेकअप करती हूँ लाइट्स के सामने रहती हो ट्रैवल करती हो ये खाती हो वो खाती हो कैसे मेंटेन करती हूँ लोगों को लगता है कि सिर्फ टॉपिकली ऊपर से लगाने से होता है बिल्कुल नहीं ये जो अभी आपने चक्रस के बारे में बोला उससे इंटरलिंक्ड है है ना सो कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट इट ये जो कफ पित्त yeah. तीसरा वाला क्या वाटन हाँ, वाटा हाँ, हाँ. जो मैंने कहा कि हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है आपके बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस इन तीनों चीजों का इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा लिंक्ड होता है सो यही लॉजिक है कि अगर आपने खुद के बॉडी को स्टेबलाइज किया आपका दिमाग भी स्टेबलाइज हो जाएगा और ये लोग तभी डिस्कवर करते हैं जब योगा करने लगते हैं लाइक आई फील की मैंने छः महीने से अभी हट योगा स्टार्ट है उसके पहले मैं मेडिटेट करता था और हट योगा ने मेरी पूरी लाइफ बदल दिया ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन सब चीजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मजाक में अगर बोलूँ तो लाइक यू नो माई वॉच कीप्स ऑन टेलिंग ब्रीद ब्रीद वो थोड़ा लगता है सुनने में कि क्यों एक वॉच मुझे बार बार बोल रहा है ब्रीद करने के लिए बट ऐसा होता है कि जब सांस फुलने लगती है कुछ होता है वी घेट एनजाइटी ये हो सकता है वो हो सकता है मे बी इन रियलिटी नहीं हो रहा है बट जो इंटरनली हो रहा है हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते इट्स हैपन टू मी बाय दुआ हैड पैनिक अटैक्स एंड एनजाइटी अटैक्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्लोज स्पेसिस बट अननेसेसरी ओवर थिंकिंग मतलब मैं शायद सो रही हूँ और हार्थ स्टार्ट पाउंडिंग सो हार्ड रेस्टलेस ओनली वे टू सेंटर इज ब्रीद ब्रीद एंड तो मैं, मैं के hmm. योगा के बारे में, yeah. uh -huh. में. Uh, बहुत बहुत अपना हाथ ऐसे ऊपर करना ये वॉल्ट्री एक्शन मतलब आपने खुद के चॉइस से अपना हाथ ऊपर किया बट uh, जिस तरह से आपका दिल uh, बीट कर आपका हार्ट बीट muscles, कर हाँ yeah. वो इन्वॉलेंट्री है वो आपके कंट्रोल में नहीं है बेसिकली आपके नर्वस आपके नर्वस सिस्टम का एक सेक्शन होता है जो इन्वॉलेंट्री एक्शन पर कंट्रोल रखता है आपके नर्वस सिस्टम yeah. का एक सेक्शन होता है जो वॉलन्ट्री नर्वस सिस्टम पर एक्शन पर कंट्रोल करता है right. को कंट्रोल करता है और आ, सिर्फ ब्रीदिंग की वजह से ब्रीदिंग आपके, आपके आ, दिमाग से डायरेक्टली लिंक्ट है और आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल Okay, जवाब खुश हो आप स्माइल कर दो ठीक है तो एग्जैक्टली exactly क्या हुआ आपके दिमाग में खुशी आ... हाँ. <laughs> आपके दिमाग में खुशी का जन्म हुआ है ठीक है <laughs> और उस जन्म की वजह से फिर आपके फेशियल मसल्स को खींचा जाता है कि आपके चेहरे के जो मसल्स है उन्हें खींचकर फिर आप स्माइल कर दो इसे जो खुश होता है ऑटोमेटिकली स्माइल कर दो पर अगर आप फेक स्माइल भी दे रहे हो उससे आपको खुशी भी फील होती है उससे वो सेम हार्मोन रिलीज होते हैं ये नहीं पता था आ, मुझे इसलिए well, well okay, आप, आप आप, आप है <laughs> और दूसरी चीज आपको एक्चुअली <laughs> खुशी फील होने लगेगी okay. आ, और इसका वही लॉजिक है कि आपके दिमाग और मसल के बीच एक कनेक्शन होता है और वो रिवर्स कनेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप खुश नहीं भी हो पर अगर आप रहे हो आपको एक्चुअली थोड़ी सी खुशी फील होगी उसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता right. है जो आपने कहा कि पैनिक अटैक एंगजाइटी अटैक <laughs> पर अगर आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करोगे आपके दिमाग पर भी इफेक्ट्स होते हैं वो ब्रीदिंग के और और अगेन दिस इज ऑल लिंक टू इंडियन क्लासिकल डांस योगा मार्शल आर्ट्स आप ये सब चीज़ें सीखते हो अपने बचपन में ऐसे हैबिट्स बना देते हो जो आपके अडल्ट लाइफ में आपको बेनिफिट करेंगे बिल्कुल लोग कंटिन्यू लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए लाइक ये पैंडेमिक में हमें काफ़ी वक्त मिला ना mm. एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने के लिए आई I मीन mean, I mean, मैं शायद बोलना चाहती थी आपने पूछा कि हाउ इज़ माई पेंडेबिक तो वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने हमने mm. तब बोला कि लाइक बॉम्बे ने मुझे सिखाया वक्त की अहमियत आई थिंक वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे मेरे कुछ दोस्त है जो यू नो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं तो एक दिन मैंने फ़ोन पर उनको बोला यार तुम लोग पूछते नहीं हो बात नहीं करते हो एक ग्रुप है हम लोग का बात क्यों नहीं करते नहीं नहीं हमारा नाइन टू फाइव जॉब है बहुत थके हुए ये है वो है ठीक है माना ऑल रिस्पेक्ट दैम बट मैंने बस ऐसे ही बोला कि भाई द मनी दैट यू आर होर्डिंग जो टाइम वक्त जो होर्ड कर रहे हो मनी तो अलग बात है सेविंग्स अकाउंट में बट द टाइम दैट यू आर ट्राई टू होर्ड नहीं सो रहे हो टाइम पे नहीं खा रहे हो इसका तुम्हें तो पता है क्या इफेक्ट हो रहा है इट्स नॉट अबाउट फिजिकल मेंटल इफेक्ट ये मतलब क्या हुआ काम करने का अगर हर समय तुम एक ही जगह पे ऐसे करके हो मुझे ये करना है ये करना है अगर वक्त नहीं निकाल रहे हो अपने mm -hmm. लिए अगर सुबह उठ के जैसे आपने बोला कि लाइक like, सुबह उठ के जो आपको एक इंट्यूशन आया एक पर्टिकुलर चीज के लिए एवरी मॉर्निंग इट टू अस है डोंट मेक टाइम फॉर योर सेल्फ या सोने से पहले या दिन में कभी भी अगर एक या दो घंटा अपने लिए आप नहीं निकालते हो ना चाहे आप एक सी ई ओ कंपनी के mm -hmm. अगर आपको वीडियो गेम खेलने का मन करे या फिर वो ब्रेन स्टॉमिंग के लिए आइडिया ठीक से नहीं बैठ रहा है या फिर आपके जूनियर्स ने सही से आइडिया आपको प्रेजेंट नहीं किया यू शुड टेक सम टाइम ऑफ वक्त निकालना चाहिए उस माहौल से निकलना चाहिए बैठ के खेलो ना वीडियो गेम mm. या फिर किसी से बात कर लो घर वालों से या कुछ तो कर लो एक वॉक पे ही चले जाओ या फिर कुछ मत करो लोगों को समझ में नहीं आता है द ब्यूटी ऑफ डूइंग नथिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट

तो एक्जैक्टली रिगरसली तीन से चार बजे तक मैक्स फोर थर्टी तक सारे शॉप्स बंद रहेंगे अब लोगों को लगेगा क्या क्या हो रहा है मतलब टूरिस्ट कहाँ खाएंगे क्या करेंगे वो उनका रिलीजियस टाइम है जहाँ पे सारे शटर्स डाउन होंगे क्योंकि उनके लिए वो नैप टाइम वो सी था बहुत इम्पॉर्टेंट है जितने भी वो काम क्यों ना करें वो चाहे बैठे चाहे नहीं सोए वो एक घंटा दिया जाता है इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स ऑल्सो गिव दिस उनको एक ब्रेक दिया जाता है टू रिक्रिएट टू हिट लाइक द बटन कि लाइक ओके रिफ्रेश अभी रिज्यूम हमारे यहाँ पे आई थिंक ये नौ, ज़्यादा नॉर्मलाइज करना चाहिए बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे गेम रूम्स होते हैं इन कम लाइक यू नो कॉर्पोरेट्स और uh, लोगों को लंच ब्रेक मिलता है पर फिर भी मैं देखती हूँ लोग भागते हैं लाइक mm. like, खाना खा रहे मेन लिख रहे खाना खा रहे <laughs> ही कर रहे मतलब बाथरूम में भी अगर जाएंगे तभी भी शांत मतलब mm. कुछ ना कुछ कान में भी ब्लूटूथ में नहीं दैट इज़ नॉट प्रोडक्ट दैट्स नॉट इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अगर करना है देन यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम बताए गौर गोपाल दास जी का नाम सुना तो उनके साथ आई एम विद हिम यस ओके तो वी व्हेन वी हैड हिम ऑन द शो उन्होंने एक चीज़ कही थी मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह की मेडिटेशन करते हो उन्होंने कहा एक नॉर्मल मेडिटेशन होती है mm -hmm. जो आप सोचोगे कि मंत्र जाप या जो right. दूसरी मेडिटेशन उनकी दिन भर होती है कि जब वो एक काम कर रहे हैं वो सिर्फ वही काम करते अगर वो खा रहे हैं तो पूरा mm -hmm. खाने में घुस जाते हैं mm -hmm. मतलब अगर आप दाल चावल खा रहे हो आपको उस दाल चावल के अंदर घुस के उसे खाना चाहिए

कि का महत्व नहीं पता कि लोगों को लगता है कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है खाना खाना इतना नॉर्मल टास्क होता है बट एक्चुअली ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव से अप हो जाता है और आपके आदत आदतें बन जाते है जब मैं खाना खा रहा होता हूं मैं किसी से बात नहीं करता मतलब जब मैं प्रॉपर एक मील जब खा रहा होता मैं किसी से बात नहीं करता हूँ कोई भी हो सकता है मैं टीवी नहीं देखता मैं बस वो खाना खाता हूँ इंसान पेट के लिए कमाता है ना एट द एंड ऑफ द डे हो और इसकी वजह से मेरा दिमाग शांत हो गया आई थिंक ये ये होता है योगिक लिविंग मतलब योगा के बारे में तो योगा जब लोग योगा शब्द यूज़ करते हैं को लगता है मतलब योगा मतलब आसनास <laughs> बट योगा एक लाइफ होती है कि आप right. किस तरह से जी रहे हो किस तरह से right. लोगों को ट्रीट कर रहे हो किस तरह से <laughs> खुद को ट्रीट कर रहे हो <laughs> आ, और डेफिनेटली आसनाज उसमें एक सेक्शन होता है